हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के टू के मोटो व्लॉग्स। सो यार, आप पीछे देख रहे होंगे, एक तरफ है बजाज की पल्सर N160 और ये है बजाज की पल्सर NS160 का न्यू मॉडल 2023 मॉडल। तो NS160 आपको लेनी चाहिए या आपको N160 लेनी चाहिए, इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, सो दोनों बाइक्स का डिटेल में हम कंपेरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में डिटेल में कंपेरिजन करेंगे, आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, बाइक की सारे डिफरेंसेस कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोनों बाइक्स के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई, फटाफट से दोनों बाइक्स के कंपेरिजन के बारे में ही बात करेंगे हम, और सबसे पहले इनका कंपेरिजन स्टार्ट होता है प्राइस के साथ। सो जो NS160 है, नया वाला मॉडल है 2023 मॉडल, इसका एक शोरूम प्राइस है 1,37,000, 1,37,000 रुपये, और इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली में आपको मिलेगा 1,63,000, 1,63,000 रुपये। लेकिन ये जो है N160, ये इसका BS6 फेज टू कम्प्लाइंट मॉडल है, दोनों ही E20 कंपैटिबल हैं, दोनों के अंदर ही आपको OBD2 सेंसर मिल जाएगा। लेकिन N160 ये ड्यूअल चैनल ABS वाला वेरियंट है, और इसका एक शोरूम प्राइस दिल्ली में है 1,30,000, और 1,55,000 इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में 1,55,000 रुपये। सो दोनों बाइक्स के ऑन रोड प्राइस में आपको 8,000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। 8,000 रुपये इस बाइक के लिए आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और ये बाइक आपको 8,000 रुपये सस्ती पड़ जाएगी NS160 से। सो NS160 के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे? तो भाई, वो ये है कि इसके अंदर आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिल जाएंगे फ्रंट में, लेकिन जो ये है N160, इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे फ्रंट में। लेकिन ड्यूअल चैनल ABS तो आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर मिल जाएगा। 300mm की डिस्क ब्रेक इसके अंदर भी है, 300mm की डिस्क ब्रेक इसके अंदर है, इसके अंदर भी ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स हैं, और इसके अंदर भी ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स हैं। ड्यूअल चैनल ABS आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा, और ड्यूअल चैनल ABS इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। सो ब्रेकिंग सिस्टम तो दोनों बाइक्स का सेम है, इसके अंदर भी 230mm की रियर में डिस्क ब्रेक है, और इसके अंदर भी रियर में 230mm की डिस्क ब्रेक है। सो ड्यूअल चैनल ABS तो आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन N160 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जो NS160 है, इसके अंदर सिर्फ ड्यूअल चैनल ABS का ही एक ऑप्शन है, इसके अंदर आपको अब सिंगल चैनल ABS का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो पहला डिफरेंस हो गया प्राइस का, और दूसरा डिफरेंस हो गया अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स का, जो इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। और थर्ड भाई, दोनों बाइक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है किक का। NS160 के अंदर आपको किक मिल जाएगी, लेकिन N160 के अंदर आपको किक नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ही ऑप्शन मिलेगा। अगला डिफरेंस है भाई दोनों बाइक्स की हेडलाइट का। NS160 के अंदर आपको हेलोजन टाइप की हेडलाइट मिलेगी, हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन N160 के अंदर आपको LED DRLs मिल जाएंगे, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगी, जिसका इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा है। इल्यूमिनेशन तो इसका भी काफ़ी अच्छा है, इसकी भी हेडलाइट का इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा है, दोनों की नाइट राइडिंग क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर LED हेडलाइट है, और इसके अंदर हेलोजन हेडलाइट है। नेक्स्ट डिफरेंस है भाई दोनों बाइक्स के इंजन में। जो NS160 है, इसके अंदर आपको 160.3 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा, जिसकी पावर है 17.2 PS, 14.6 Nm का टॉर्क है, जिसके अंदर आपको 5-speed गियरबॉक्स मिलेगा, यानी कि बाइक में 5 गियर आपको मिलेंगे। लेकिन जो N160 है, इसके अंदर आपको 164.82 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा, जिसकी पावर आपको 16 PS मिलेगी, 14.6 Nm का टॉर्क मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको 5-speed गियरबॉक्स मिलेगा। इसमें आपको 4 valves मिल जाएंगी, लेकिन इसके अंदर आपको 2 valves मिलेंगी। लेकिन भाई, परफॉर्मेंस के बारे में अब बात करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर 4 valves हैं, इसके अंदर 2 valves हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में भाई फिर भी ये बाजी मार जाती है, क्योंकि 120 km/h की स्पीड पे पहुंचते ही NS160 के अंदर लिमिटर आ जाता है। RPM लिमिटर आने की वजह से इसकी स्पीड फिर और ज़्यादा नहीं जा पाती, सो इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन N160 की टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, और इसकी टॉप स्पीड आपको 130 km/h के आसपास की मिलेगी। सो इसके इंजन के अंदर 2 valves हैं, लेकिन इसका इंजन थोड़ा सा बड़ा है, 164.82 cc का इंजन है, थोड़ा सा बड़ा इंजन होने की वजह से इसके अंदर परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। सो इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप के मामले में तो दोनों बाइक्स बराबर ही हैं, मिड एंड परफॉर्मेंस भी दोनों बाइक्स की आपको बराबर ही मिलेगी, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस में ये बाजी मार जाती है, टॉप एंड परफॉर्मेंस इसकी आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपको रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा, और इसके अंदर भी रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। दोनों बाइक्स में स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं, स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स हैं, दोनों बाइक्स में LED टेल लाइट है। इसकी भी पिलियन और राइडर दोनों ही सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, सीट्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, और ग्रैब रेल्स स्प्लिट टाइप के हैं, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इनका भी। 100 सेक्शन का इसके अंदर फ्रंट में टायर है, 130 सेक्शन का रियर में टायर है, और इसके अंदर भी आपको 100 सेक्शन का फ्रंट में टायर मिलेगा, 130 सेक्शन का रियर में टायर मिलेगा, और इसकी भी पिलियन और राइडर दोनों स्प्लिट सीट्स हैं, इसके अंदर भी स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स हैं।
पिलियन की बैठने के लिए इसकी भी सीट काफी कंफर्टेबल है, पिलियन कंफर्टेबली बैठ के आपके साथ राइड कर सकता है। इसके एलईडी टेल लाइट का डिजाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अगला डिफरेंस है भाई दोनों बाइक्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी में। NS160 का फ्यूल टैंक आपको 12 लीटर का मिलेगा, लेकिन N160 का फ्यूल टैंक आपको 14 लीटर का मिल जाएगा। सो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि फ्यूल टैंक को एक बार फुल कराने के बाद इस बाइक के साथ आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है अपनी सेगमेंट में। और अब बात करते हैं यार दोनों बाइक्स के लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में। तो यार ये एक सब्जेक्टिव फीचर है, आप में से कुछ लोगों को NS160 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता होगा और कुछ लोगों को N160 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता होगा। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो यार मुझे N160 थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर टाइप का फ्रंट लुक दिया गया है, एलईडी हेडलाइट है, एलईडी DRLs हैं, इसकी वजह से इसके लुक्स थोड़े यूनिक आते हैं। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। इसके अंदर आपको पुराने वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको नया वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा। और ये वही सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो N250 के अंदर आता है। दोनों बाइक्स के अंदर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाएगा, और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल यार देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं आपको सुना देता हूँ दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट। वैसे तो यार दोनों ही बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है, लेकिन N160 के एग्जॉस्ट नोट के अंदर आपको बेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन यार इंजन रिफाइनमेंट इस बाइक की थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है पहले से। इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी तो आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन NS160 की इंजन रिफाइनमेंट थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी है। और अब बात करते हैं भाई दोनों बाइक्स की हाईवे पे क्रूजिंग स्पीड आपको क्या मिल जाएगी उसके बारे में। तो देखो यार दोनों ही बाइक्स 160 सीसी नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की हैं, और दोनों की ही हाईवे पे क्रूजिंग स्पीड आपको 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिलेगी, जिस पे आप कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो हाईवे पे। परफॉर्मेंस के बारे में तो बात हो चुकी है, लेकिन भाई माइलेज के बारे में बात नहीं हुई अभी तक। तो माइलेज मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बाइक्स के अंदर आपको 45-50 KMPL के आसपास की माइलेज मिलेगी। दोनों बाइक्स को अगर आप डिसेंट स्पीड पे चलाओगे तो 50 के आसपास की माइलेज आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रफली अगर आप चलाओगे तो फिर दोनों बाइक्स में आपको 40-45 KMPL के आसपास की माइलेज मिलेगी। तो भाई दोनों बाइक्स के सारे डिफरेंसेस के बारे में बात हमने कर ली है। अब फाइनली बात करते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। NS160 के लिए आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार इस बाइक का प्राइस अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आपको 8,000 रुपये ज़्यादा पे नहीं करने चाहिए, और आपको कम प्राइस में N160 परचेज करनी चाहिए, क्योंकि टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको N160 के अंदर बेटर मिलेगी। LED हेडलाइट आपको N160 के अंदर मिल जाएगी। सिर्फ अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स की वजह से हमें 8,000 एक्स्ट्रा पे नहीं करने चाहिए। तो भाई आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी है। एक तो लुक्स, दोनों बाइक्स के लुक्स सब्जेक्टिव फीचर हैं। दोनों बाइक्स में से जिसके आपको लुक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप उस बाइक को परचेज कर सकते हो, लेकिन डिज़ाइन और स्टाइल, परफॉर्मेंस, फीचर्स, टॉप स्पीड, माइलेज, सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सर N160 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मशीन है अपनी सेगमेंट के अंदर। सो 150-160 सीसी नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट में अगर आपको कोई बाइक परचेज़ करनी है जिसमें आपको माइलेज अच्छी मिल जाए, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, फीचर्स अच्छे मिल जाएं, तो फिर आप N160 को कंसिडर कर सकते हो। तो N160 के साथ आप जा सकते हो अगर आपका बजट 1,55,000 के आसपास का है तो। नहीं तो आप इसका जो सिंगल चैनल EBS वाला वेरिएंट है उसको भी परचेज कर सकते हो, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,50,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो ये थे यार दोनों बाइक्स के डिफरेंसेस। आई होप मैंने सारे डिफरेंसेस कवर कर दिए होंगे, लेकिन अभी भी अगर कोई डिफरेंस मुझसे रह गया होगा तो वो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप में से काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको N160 लेनी चाहिए या फिर N160 लेनी चाहिए। और अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे DM करके मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।